अब तक मैंने आपको ऐसे कई सारे स्कैम्स के बारे में बताया जिनमें किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की, किसी ने बैंक को चूना लगाया और कोई देश को करोड़ों का चूना लगाकर लंदन भाग गया। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्कैमर की कहानी बताने वाला हूं जो अब तक जितने भी स्कैमर हुए उन सबका बाप था, उसे मरते दम तक कोई भी पूरी तरीके से कैद नहीं कर पाया। धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी कई बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम पर उसने लोगों से करोड़ों की ठगी की, लेकिन फिर भी उसके गाँव के लोग उसे अपना रॉबिनहुड यानी कि सिया मानते हैं और कानून हर साथी ठग को उसके नाम से ही बुलाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अब तक के सबसे बड़े फ्रॉड नटवरलाल उर्फ मिथिलेश श्रीवास्तव की, जिसने ताजमहल को 3 बार बेचा, लाल किले को 2 बार, इसके अलावा राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को भी 1-1 बार कौड़ियों के भाव बेच दिया। दोस्तों कौन था ये नटवरलाल और कैसे बना अब तक का सबसे बड़ा धोखेबाज, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े फ्रॉड नटवरलाल के बारे में। दोस्तों इसका जन्म 1912 में बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उसी गांव में अपने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। नटवरलाल और देश के पहले राष्ट्रपति की लाइफ में 2 चीजें कॉमन थी। सबसे पहली, दोनों ने एलएलबी की पढ़ाई की थी और दूसरी, दोनों ने पढ़ाई के बाद अपना गांव छोड़ दिया था। लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक राष्ट्रपति बन गए और दूसरा बन गया महाठग यानी कि कॉन मैन। दोस्तों मिथिलेश श्रीवास्तव से नटवरलाल बनने की ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि नटवरलाल ने पहली बार कब और किसको ठगा था। दोस्तों उसके गांव में एक आदमी था, उसने उसको एक बैंक ड्राफ्ट दिया और कहा कि प्लीज बैंक में जाकर पैसे निकाल कर ला दो। सो नटवरलाल पूरे रास्ते भर उस बैंक ड्राफ्ट के ऊपर किए हुए सिग्नेचर को देखता रहा और उसके मन में यह ख्याल आया कि ऐसा सिग्नेचर तो वो खुद भी कर सकता है। सो उसने बैंक से पेन उठाया और सिग्नेचर करने की कोशिश की और दोस्तों पहली बार में ही उसने एकदम सेम टू सेम सिग्नेचर कर लिया। सो उस वक्त तो नटवरलाल ने आदमी को पैसे लाकर दे दिए, लेकिन उसके बाद में फेक सिग्नेचर कर करके कई दिनों तक उसके अकाउंट से पैसे निकालता रहा और जब इस बात की भनक उस आदमी को लगी तब तक उसके अकाउंट से 1000 रुपए निकल चुके थे। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, उस वक्त 1000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। उसके बाद में जब ये खबर पूरे गांव में फैल गई तो भागकर कलकत्ता पहुंच गया। उसके पास मुश्किल से 5 रुपए थे, इसलिए वो रोड पर आ करता था, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करता था। पैसे कमाने के लिए उसने एक कॉटन मिल के मालिक सेठ केशवराम के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी पढ़ाई और रहने खाने के लिए खर्चा निकल जाता था। लेकिन जब उसे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, तो उसने सेठ केशवराम से कुछ पैसे उधार मांगे और सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से नटवरलाल को बहुत गुस्सा आया और उसने एक प्लान बनाया। फिर अगले दिन उसने सेठ केशवराम को कहा कि मेरे पहचान का एक आदमी है जो रॉ कॉटन में डील करता है, तो अगर आपको मार्केट से बहुत ही सस्ते दाम पर रॉ कॉटन चाहिए तो मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको दिला सकता हूं। सो सेठ ने उसकी बातों पर भरोसा करके उसको 4.5 लाख रुपए दे दिए, जिसके बाद में नटवरलाल वहां से फरार हो गया और सेठ हाथ मलते रह गया, जिसके बाद में नटवरलाल को अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा और उसके बाद में उसने कई सारी ठगी को अंजाम दिया। दोस्तों नटवरलाल फेक सिग्नेचर करने में माहिर था, इसलिए उसने बड़ी बड़ी हस्तियों के सिग्नेचर करके न सिर्फ देश के लोगों बल्कि विदेशियों को भी चूना लगाया था। उसने 1970s में 3 बार ताजमहल को बेच दिया था, 2 बार लाल किले को और 1 बार राष्ट्रपति भवन को और 1 बार तो उसने पार्लियामेंट को भी बेच दिया था। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई इन चीजों को कैसे बेच सकता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पॉसिबल हो सकता है, 100% पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नटवरलाल के लिए। वो इन मॉन्यूमेंट्स को एक सरकारी ऑफिसर बनकर बेचा करता था, उसके पास इन मॉन्यूमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते थे, वो देखने में बिल्कुल असली लगते थे। उन पेपर्स में इन मॉन्यूमेंट्स की छोटी छोटी जानकारी हुआ करती थी, साथ ही नटवरलाल की इंग्लिश और कन्विंस करने की स्किल बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से विदेशी भी उसके चंगुल में फंस जाते थे और लाखों रुपए देकर इन मॉन्यूमेंट्स को खरीद लेते थे। उसके बाद में नटवरलाल फरार हो जाता और वो हाथ मलते रह जाते। पार्लियामेंट को बेचने के लिए नटवरलाल ने इंडिया के उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सिग्नेचर किया और सामने वाले को जरा भी शक नहीं हुआ। जब उसने पार्लियामेंट को बेचा था तो उस वक्त उसमें 542 सांसद भी बैठे हुए थे। हालांकि जिन लोगों ने नटवरलाल से मॉन्यूमेंट्स खरीदे थे उनके बारे में ज्यादा जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा उसने धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी खूब चूना लगाया था, कभी एनजीओ कर्मचारी बनकर और या फिर कभी किसी और भेष में।
दोस्तों नटवरलाल भेष बदलने में और झूठ बोलने में इतना माहिर था कि उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता था। एक बार की बात है 1987 और 88 के बीच में, जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे नारायण दत्त तिवारी, तो नटवरलाल बूढ़े आदमी के भेष में दिल्ली के कैनॉट प्लेस में गया और एक घड़ी बेचने वाले के पास जाकर कहा, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के नेताओं की एक सभा का आयोजन किया है जिसमें वो सबको घड़ी देने वाले हैं और मैं फाइनेंस मिनिस्टर एनडी तिवारी का पीए हूं, सो आपसे 93 घड़ियां लेने आया हूं, थोड़ी अच्छी और महंगी वाली घड़ियां दिखाइए। पहले तो घड़ी वाले को यकीन नहीं हुआ, फिर उसने सोचा कि इतना बड़ा ऑर्डर है, रिस्क नहीं ले सकते, सो उसने घड़ियां दिखानी शुरू की और नटवरलाल ने 93 घड़ियां पैक करने के लिए कहा और बोला मैं कल आकर ये घड़ी ले जाऊंगा और पेमेंट दे जाऊंगा। अगले दिन जब नटवरलाल उसके यहां पे पहुंचा तो बोला कि आप एक आदमी को मेरे साथ नॉर्थ ब्लॉक में भेज दीजिए, वहां मैं उसे एक डिमांड ड्राफ्ट दे दूंगा। दोस्तों नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली का वो एरिया होता है जहां वीवीआईपी लोग रहते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज, बड़े बड़े नेता, मंत्री वगैरह वगैरह। अब उस घड़ी वाले ने नटवरलाल के कहने पर अपना एक आदमी उसके साथ भेज दिया और नटवरलाल ने भी उस आदमी को एक डीडी देकर वापस भेज दिया। दो दिन बाद जब बैंक में डीडी डाला गया तो पता चला वो डीडी फर्जी है, सो उसने पुलिस कंप्लेंट की और बहुत ढूंढने के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। नटवरलाल ने सिर्फ दिल्ली और कलकत्ता में ही नहीं बल्कि मुंबई और लखनऊ के साथ साथ 11 और भी स्टेट के अंदर 100 से ज्यादा ठगी को अंजाम दिया और एक ऐसी ठगी में उसका नाम मिथिलेश श्रीवास्तव से नटवरलाल हो गया। देखिए नटवरलाल जब पहली बार मुंबई गया तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने एक परचेसिंग ऑफिसर का भेस बनाया और एक आदमी के साथ एक कपड़ा मिल में पहुंच गया। वहां जाकर लगभग 3.5 लाख रुपए का ऑर्डर लिया और कुछ पैसे एडवांस लेकर उसने कहा कि कल आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आपको माल की डिलीवरी मिल जाएगी। जब वो अगले दिन आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद उन लोगों ने एफआईआर करवाई, फिर पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस को लग रहा था कि उन लोगों ने मिथिलेश श्रीवास्तव के साथी को पकड़ा था जिसका नाम मिल के अंदर नटवरलाल बताया गया था, तो दोस्तों तभी से इसका नाम नटवरलाल पड़ गया। दोस्तों नटवरलाल शातिर होने के साथ साथ काफी हाजिर जवाब भी था। एक बार की बात है, एक मुकदमे की सुनवाई चल रही थी और लखनऊ कोर्ट में नटवरलाल से एक वकील ने पूछा, तुम लोगों को इतनी आसानी से कैसे ठग लेते हो? तो नटवरलाल ने बोला, क्या आपके पास 1 रुपया है? अगर मुझे आप 1 रुपया देंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो वकील साहब ने अपने जेब से 1 रुपया निकाला और उसके हाथ में दे दिया। उसके बाद में वो सिक्का लेकर नटवरलाल ने अपनी जेब में रख लिया और कहा कि मैं ऐसे लोगों से झूठ बोलकर पैसे लेता हूं और वो मुझे खुशी खुशी लालच में आकर पैसा दे देते हैं, मैं किसी से भी जबरदस्ती नहीं करता हूं। दोस्तों नटवरलाल अपनी जिंदगी में 9 बार पुलिस के हत्थे चढ़ा और हर बार वो जेल से भागने में कामयाब रहा। सो ऐसे में वकील ने उसे सवाल किया कि तुम हर बार इतने बड़े बड़े जेल से कैसे भाग जाते हो? तो उसने जज साहब की तरफ देखकर उत्तर दिया कि मैं भागता नहीं हूं, बल्कि पुलिस वाले मेरी खुद ही मदद करते हैं जेल से भागने के लिए, क्योंकि वो कभी कभी दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, मुझे गाड़ी लाकर दे देते हैं या फिर बोलते हैं तुम चले जाओ तो मैं चला जाता हूं। दोस्तों उसका यह बयान कहीं ना कहीं सच भी था, क्योंकि उसने कई बार अपनी चालाकी से पुलिस वालों को भी चकमा दिया था। जैसे एक बार नटवरलाल जेल के अंदर बंद था तो उसने पुलिस वालों को कहा कि उसके पास एक बक्सा है जिसे उसने जेल के अंदर छुपा के रखा है, उसमें लाखों रुपए हैं, सो जो भी उसे जेल से निकालने में मदद करेगा उसे वो अपना बक्सा दे देगा। अब ऐसे में पुलिस वालों ने लालच में आकर उसे सब इंस्पेक्टर की वर्दी लाकर दे दी, जिसे पहनकर नटवरलाल सीना तानकर जेल से सलामी लेते हुए बाहर निकल गया, जिसके बाद में पुलिस वालों ने जब उस बक्से को खोला तो उसमें सिर्फ न्यूज़पेपर थे। इसके अलावा दोस्तों उसकी एक और कहानी आज भी लखनऊ के जेल रिकॉर्ड में है। एक बार नटवरलाल लगभग 1.5 साल से जेल में बंद था और वो भाग नहीं पा रहा था और हर महीने उसकी वाइफ एक चिट्ठी लिखा करती थी पर नटवरलाल उसका जवाब भी नहीं देता था। दोस्तों जेल का ये रूल होता है कि जेल के अंदर जो भी चीज आती है या फिर जेल से जो भी चीज बाहर जाती है उसको चेक किया जाए, तो उस वक्त जो जेल का जेलर था वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए उसकी वाइफ का लेटर पढ़ा करता था। उसकी वाइफ हर बार एक ही बात लिखती थी कि खेत जोतने के लिए मजदूरों की जरूरत है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खेत जोतवा सके, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, आप कब आओगे। तो एक बार जेलर ने तंग आकर नटवरलाल से कहा कि तुम्हारी वाइफ इतनी चिट्ठियां लिखती है, तुम उसकी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देते? सो नटवरलाल ने कहा, अब आप कह रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद में उसने एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैंने खेत में एक हाथ नीचे कुछ सोने के गहने गाड़े हुए हैं, उसे निकाल लो और अपना काम कर लो, मैं जल्दी वापस आऊंगा और उसके बाद में खेत को जुतवा लेंगे। अब जब ये लेटर जेलर साहब ने पढ़ा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत लखनऊ पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद में पुलिस वालों ने कुछ मजदूर बुलाए और पूरे खेत को खोद डाला और उनको खेत में 1 रुपया भी नहीं मिला। उसके कुछ दिन बाद नटवरलाल की पत्नी का एक लेटर आया जो कि उसने जेलर के लिए लिखा था। उसने कहा, मेरे खेत को जुतवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जेलर साहब, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, आपका ये एहसान मैं कभी भी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगी। लेटर पढ़ के जेलर बेहोश हो गया। दोस्तों नटवरलाल को 100 से भी ज्यादा मुकदमों में अलग अलग कोर्ट से लगभग 113 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से उसने सिर्फ 20 साल ही जेल में गुजारे और हर बार जेल से चकमा देकर भाग जाता। 1996 में उसे आखिरी बार पुलिस ने देखा था जब उसे कानपुर जेल से दिल्ली एम्स ले जाया जा रहा था। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 84 ईयर्स की थी,
उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लग गई थी, इतनी खराब कि उसे कहीं भी आने जाने के लिए व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता था। तो एक बार की बात है, उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे दिल्ली के एम्स में भर्ती करने के लिए 3 पुलिस वालों के साथ भेजा गया। सो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब वो पुलिस वाले उतरे तो 2 पुलिस वाले गाड़ी करने के लिए स्टेशन से बाहर चले गए, और जो एक पुलिस वाला उसके साथ खड़ा था उससे नटवरलाल ने कहा कि मुझे चाय पीनी है। तो पहले तो 2-3 बार पुलिस वाले ने मना कर दिया, लेकिन नटवरलाल के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसे दया आ गई और उसने सोचा ये तो व्हीलचेयर पे पड़ा है, चाह कभी भाग नहीं पाएगा, और ऐसा सोचकर वो चाय लेने चला गया। उसके बाद में जब वो वापस आया तो वहां पे सिर्फ उसे व्हीलचेयर मिली और नटवरलाल हमेशा के लिए वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद में उसे कोई भी नहीं पकड़ पाया, और आखिरकार उसके गायब होने के 13 साल बाद मतलब 2009 में नटवरलाल के वकील ने कोर्ट में दरख्वास्त की कि नटवरलाल अब मर चुका है और उसका अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया है, तो उसके ऊपर जो भी केसेस हैं उनको हटा दिया जाए। अब ऐसे में कोर्ट ने उसके परिवार से पूछताछ की और उसके भाई ने बताया कि उसकी मौत 1996 में ही हो गई थी, जिसके बाद में कोर्ट ने उसके ऊपर जितने भी केसेस चल रहे थे वो सारे के सारे क्लोज कर दिए। दोस्तों ये सारी कहानियां नटवरलाल की ठगी की और शातिर दिमाग की थी, लेकिन एक कहानी ऐसी भी थी जिसमें लोग उसको रॉबिनहुड कहा करते थे। दोस्तों नटवरलाल को अपना रॉबिनहुड कहने वाले उसके खुद के गांव वाले थे, जो उसे नटवरलाल नहीं बल्कि मिस्टर नटवरलाल के नाम से बुलाते थे, और उसके बारे में पूछने वालों को भी कहते थे कि उसका नाम इज्जत से लेना चाहिए, मतलब नटवरलाल नहीं बल्कि मिस्टर नटवरलाल। इसके पीछे का कारण यह है कि नटवरलाल जब भी गांव में जाता था तो पूरे गांव वालों के लिए भोज रखवाता था, जिसमें अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते थे, और आखिरी बार जब वो गांव गया था तो उसने सबके लिए भोज रखवाया था और सबको 100-100 रुपए भी दिए थे। साथ ही साथ में गांव वालों का कहना यह भी था कि वो अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद किया करता था, जैसे किसी की बेटी की शादी है तो उसको पैसे दे देना, किसी के बच्चे के स्कूल के लिए पैसे भरना वगैरह वगैरह। दोस्तों नटवरलाल की इन कहानियों से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में भी कई फिल्में बन चुकी है, जैसे अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल। इस फिल्म को लेकर 1979 में नटवरलाल से एक सवाल पूछा गया था, क्या आपको पता है कि आपके नाम के ऊपर एक फिल्म बन रही है, तो उसने जवाब दिया हाँ। फिर पूछा गया क्या आप वो फिल्म देखने जाएंगे, तो उसने कहा जब फिल्म का असली हीरो मैं हूं तो मैं वो फिल्म देखने क्यों जाऊं। इसके अलावा इमरान हाशमी की फिल्म राजा नटवरलाल, रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की फिल्म बंटी और बबली भी नटवरलाल की कहानी से इंस्पायर है। सो दोस्तों ये थी नटवरलाल यानी देश के सबसे बड़े स्कैमर की कहानी। अगर आपको भी इसके अलावा उसके बारे में कोई और कहानी पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है hi_rajnikantsharma। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।